हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी सॉल्यूशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स की, जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को आपने अलग अलग नामों से सुना होगा, जैसे डिक्टियोजोम्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, है ना। तो बायोलॉजी में इसकी और भी नाम है, जैसे लाइपोकॉन्ड्रिया, आइडियोजोम, डेल्टॉन कॉम्प्लेक्स, ये नाम बायोलॉजी में गोल्जी अपरेटस के जाने जाते हैं। गोल्जी अपरेटस जो होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें पाया जाता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट्स होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसके नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं, तीन स्ट्रक्चर हमारे सामने आते हैं, जैसे सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। सिस्टर्नी जो होती है बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। ये 4 से 7 नंबर में होती है और बिल्कुल पैरेलली अरेंज होती है सिस्टर्नी। दूसरा होता है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, जो गोल्जी बॉडी होती है उनकी एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी। अब मैं इसका रोल बताती हूँ, क्या करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जो भी प्रोटीन, लिपिड या जो भी मैक्रोमोलिक्यूल बना है उनको पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये काम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो ये तो हमने बात करी कि उसका क्या रोल होता है, अब हम बात करते हैं वर्किंग कैसे करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक बिंदी जैसा स्ट्रक्चर, इसे जो बिंदी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम सिस्टर्नी, एंडोप्लाज्मिक की सिस्टर्नी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब प्रोटीन राइबोसोम के थ्रू बन जाएंगे तो ये प्रोटीन क्या होंगे, सिस्टर्नी के अंदर, यानी कि सिस्टर्नी के अंदर जो ल्यूमेन होगा उसमें आ जाएंगे। ल्यूमिन यानी कि सिस्टर्नी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी का प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ल्यूमिन यानी कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ल्यूमिन बोलते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्या करेगा, ये ल्यूमिन के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन आ गए, अब सिस्टर्नी क्या करेगी, वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र कर देगी। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इस प्रोटीन को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, पैकिंग करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पोस्ट ऑफिस काम करता है, ठीक है। या तो वो प्रोटीन को सेल के अंदर ही ट्रांसफ़र कर देगी या सेल के बाहर। तो ये वर्किंग होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। आइए अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन क्या करती है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है सिक्रेट करना, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम करती है। सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक प्रोसेस पे ले जाती हूँ, जिसका नाम है मियोसिस एंड माइटोसिस, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जब टेलोफेज स्टेज पे जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है ना, जहाँ पे दो डॉटर सेल फॉर्म होती है, तो वहाँ पे जो गोल्जी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होता है टू डॉटर सेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन करती है और ये लाइसोसोम बनाने का भी काम करती है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। तो ये होती है गोल्जी बॉडी। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस तरीके से मेरे और वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।